भागलपुर पुलिस ने अंतरराज्य साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 युवतियों सहित 10 अपराधियों को बड़ी संख्या में अवैध सिम कार्ड, ईटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, बाइक, सोने के जेवरात, लैपटॉप, रजिस्टर के साथ धर दबोचा है। भागलपुर के सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 19 अक्टूबर को प्रतिबिंब पोर्टल की निगरानी के दौरान एक मोबाइल नंबर संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसका लोकेशन भागलपुर पाया गया। इसके विरुद्ध शिकायत देश के अलग अलग हिस्सों में पाए गए, जो लगभग 2,70,000 रुपए साइबर धोखाधड़ी से संबंधित था। इसके बाद सीनियर एसपी के निर्देश पर साइबर थाना अध्यक्ष अकील अहमद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम ने बरारी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप एक मकान में छापेमारी की, जहां फर्जी सेल्स एडवर्टाइजमेंट सेंटर से साइबर क्राइम करने के तरीके देखकर पुलिस अचंभित रह गई। सिटी एसपी ने बताया कि बंगाल 24 परगना नॉर्थ के रहने वाले राहुल उर्फ जिसान अली, जो साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड भी है, वह अपनी पत्नी और मित्र मोहम्मद छोटू और छोटू की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गिरोह का संचालन कर रहा था और भागलपुर की भोली भाली लड़कियों को कॉल सेंटर में काम करने का लोभ देकर उसे साइबर ठगी के धंधे में लगा देता था। भागलपुर में लगभग 6 महीने से यह गिरोह सक्रिय था और अब तक भागलपुर से गिरोह के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। जल्द ही साइबर ठग गिरोह के बचे हुए सदस्य सलाखों के पीछे होंगे। अनुसार भागलपुर जिला में साइबर फ्रॉड में संबंधित अपराधी कर्मियों का विरोध सत्यापन छपमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में 19/10/24 को भागलपुर साइबर थाना को प्रतिबंध पोर्टल से सूचना मिली। एक संदिग्ध व्यक्ति, साइबर फ्रॉड में संदिग्ध व्यक्ति का नाम, उनका लोकेशन मिलने पर एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम बरारी थाना अंतर्गत मनाली चौक पे विशेष छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है। मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। डीएनसिंह रोड से ज्वेलरी ब्रांड का शोरूम तनिष्क नया कलेक्शन नवरानी लेकर आया है। शोरूम के संचालक नवीन जैन ने बताया कि इस धनतेरस कई ऑफर्स लेकर आए हैं, जिसमें तनिष्क के सोने के गहने के बनवाई पर 20% की छूट और हीरे के ज्वेलरी के मूल्य पर 20% की छूट दी जाएगी। साथ ही पुराने गहने के मूल्य पर 100% एक्सचेंज भी करा सकते हैं। सोने के गहने की खरीदारी पर सोने के मूल्य पर 101 रुपया सगुन के रूप में भी दिया जा रहा है। हर खरीदारी पर निश्चित उपहार भी मिलेगा। पटेल बाबू रोड स्थित मियां बाय तनिष्क में सोने और हीरे की स्टाइलिश ज्वेलरी खरीदकर अपने करीबी को गिफ्ट दे सकते हैं। यहां 3,000 में सोने का और 8,000 में हीरे का आकर्षक ज्वेलरी खरीद सकते हैं। यदि कम बजट है तो 1,300 में आभूषण खरीदकर गिफ्ट दे सकते हैं। दीपावली और धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रभा की किचन में पधारी लजीज और स्वादिष्ट व्यंजनों पर मिलने वाले 20% के ऑफरों का लाभ उठाएं। मॉकटेल के साथ स्वादिष्ट व्यंजन का लाभ उठाना चाहते हैं तो उर्मिला आर्केड के प्रथम तल पर रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के ऊपर डीएम कोठी रोड स्थित प्रभा के किचन में जाएं, जहां साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज तंदूर, चिली पनीर, वेज रोल, वेज मंचूरियन, मसाला पापड़, कबाब कॉर्न, कबाब, आइसक्रीम, लस्सी और सभी तरह के नूडल्स जैसे व्यंजन का एक ही छत के नीचे स्वाद मिलेगा। यहाँ गल्फ देशों से आए सेफ की ओर से बनाए गए लाजवाब व्यंजन परोसे जाएंगे। रेस्टोरेंट के मैनेजर गौतम शर्मा ने कहा कि यहाँ सभी व्यंजन की क्वालिटी और स्वाद का ख्याल रखा जाता है, साथ ही सभी ग्राहकों के लिए बिलिंग पर 20% की सीधी छूट दी जाएगी। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ग्राहकों के लिए खुला रहेगा। नाथनगर प्रखंड स्थित चंपा नदी में 1983 से नाथनगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से विसर्जन घाट का निर्माण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक नदी घाट में छठ महापर्व भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, पंकज कुमार सहित
कई वादों के पार्षद इस घाट का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं कुछ मुद्दों को लेकर वार्ड 13 के पार्षद रंजीत मंडल और संजय मंडल में गहमा गहमी भी हुई, जिसमें संपूर्ण बैठक के पूर्व ही महापौर चली गई। वहीं महापौर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, विसर्जन घाट पर लाइट की व्यवस्था होगी। दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने कहा कि नगर निगम की ओर से विसर्जन घाट पर कार्य करने हेतु 50 मजदूर बढ़ाने की मांग की गई है। समन्वय से पूजा समिति और हमारे जो सम्मानित पार्षद हैं 1 से 12 के, वो अपना मिल के काम करेंगे, यही बात चल रही थी। तो हंगामे दार में और सब चीज़ ठीक किया, जो निगम से घाट के लिए बेहतर होगा, जो सुविधा दी जाती है पहले से भी जो दी जाती रही है उससे बेहतर ही इस बार। भागलपुर में शिक्षक की पत्नी ने अपने ही शिक्षक पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने महिला थाना में दिए लिखित आवेदन में बताया कि जिस फ्लैट में वह रहती थी उसे पति ने बेच दिया है, फ्लैट की बिजली व पानी की व्यवस्था खत्म कर दी है, वे अब मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सर्विस बुक से उनका नाम कुछ शिक्षकों की सहायता से हटा दिया गया है। पति पत्नी के बीच का विवाद अब मामला विभाग तक जा पहुंचा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी फिजिक्स विभाग में कार्यरत शिक्षक डॉक्टर सुदेश कुमार जायसवाल की लड़ाई विभाग में सभी लोगों ने देखा। करीब 2 घंटे तक विभाग में हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। विवाद बढ़ने पर पति पत्नी के बीच हाथापाई हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हंगामा की सूचना के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस विभाग पहुंचे। थाना SI धर्मेंद्र कुमार ने हंगामा कर रहे शिक्षक की पत्नी साधना कुमारी को समझा बुझा कर शांत करवाया। इसके बाद महिला विभाग से चली गई। ऑपरेशन स्माइल एवं जीवन जागृति सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 27 अक्टूबर को खरेहिया मध्य विद्यालय अकबर नगर में कटे होंठ एवं तालू का निःशुल्क ऑपरेशन हेतु मुफ्त कैंप का आयोजन किया गया। यदि आपका या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य का कटा हुआ होंठ या तालू हो तो आप 27 अक्टूबर को दिन के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इस निःशुल्क ऑपरेशन शिविर में अपना उपचार करा सकते हैं। उपचार के लिए आपको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस शिविर को लेकर शहर के निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष अजय सिंह, सचिव सोमेश यादव, रूपा शाह सहित कई लोग मौजूद थे। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आगामी 27 तारीख को खरैया अकबर नगर मध्य विद्यालय में एक कैंप का आयोजन हो रहा है, मुफ्त कैंप का, और वह है कटे होंठ एवं कटे तालू के बच्चों के लिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, कुछ बच्चों में होंठ कटा मिलता है और तालू फटा रहता है, उसके चलते बहुत सारी समस्या होती है। कटे होंठ के चलते बोलने का प्रॉब्लम होता है, डेंटिशन का प्रॉब्लम होता है, आवाज जो उसका होता है वो अच्छा से नहीं हो पाता है, और जो तालू कटा रहता है उसके चलते उसको खाने का दिक्कत होता है, बच्चों में बार बार निमोनिया होता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।